माचलपुर में फरियादी आत्माराम पिता जगन्नाथ गुर्जर उम्र 27 साल निवासी ग्राम रामगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मेरे साथ आरोपियों ने गुमराह करके धोखाधड़ी की है, जिस पर आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए 8 ट्रैक्टर एवं एक बोलेरो वाहन को बरामद करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी उपनिरीक्षक जितेंद्र अजनारे के नेतृत्व में आरोपी गड़ों की गिरफ्तारी एवं वाहनों की बरामदगी हेतु टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा अमानत में खयानत कर ट्रैक्टर सहित बोलेरो वाहन ले जाने व गिरवी रख लाभ कमाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही की गई। उक्त मामले के पूरे घटनाक्रम का खुलासा जिला पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी ने माचलपुर थाने में प्रेस वार्ता कर किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी जितेंद्र अजनारे एवं उनकी टीम को 10,000 रुपए से पुरस्कृत भी किया, तो वहीं जनप्रतिनिधि एवं ट्रैक्टर मालिकों ने पुलिस अधीक्षक सहित थाना प्रभारी एवं उनकी पुलिस टीम का साफा व मालाएं पहनाकर स्वागत किया है। कि ट्रैक्टर में ठगने का काम कर रहा था, उस गिरोह का इन्होंने पर्दाफाश किया है। इसमें मुख्य रूप से 4 आरोपी हैं, जिनमें से 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 1 आरोपी अभी फरार है, जिसपे की 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि 9 नवंबर को आत्माराम पिता जगन्नाथ गुर्जर उम्र 27 साल निवासी रामगढ़ थाना माचलपुर ने रिपोर्ट किया कि आज से करीब 4 महीने पहले ये जो आरोपी गण थे, इन्होंने फरियादी से संपर्क किया और इनसे कहा कि आप अपना जो है वो ट्रैक्टर अगर हमें देंगे तो हम उसको अच्छे किराए पर जो है 4 लेन हाईवे में लगा देंगे। अधियों को इन्होंने उनसे ट्रैक्टर लिए और ट्रैक्टर लेके और उसको उन्होंने फुर्द फुर्द कर दिया, माने उसको कहीं और गिरवी रख दिया। ना तो उनको किराया मिला उन लोगों को और ना ही उनके ट्रैक्टर वापस मिले। पुलिस के पास जब रिपोर्ट हुई तो पुलिस ने इसका इन्वेस्टिगेशन आगे किया और जितेंद्र पिता गोपाल हरिजन जो एक आरोपी है उम्र 21 साल निवासी सारौत थाना मिश्रौली जिला झालावाड़ राजस्थान जो कि आरोपी है उसको गिरफ्तार किया। सुभाष पिता तेजराम निवासी ग्राम लेदी थाना भानपुरा जिला मंदसौर को गिरफ्तार किया और शंकर पिता प्रहलाद निवासी नारायण खेड़ा थाना भवानी मंडी जिला झालावाड़ को गिरफ्तार किया। इनसे 8 ट्रैक्टर और 1 बोलेरो जो है वो बरामद हुई है। तो यहाँ कहीं रखी होगी, सामने लगे हुए हैं ये ट्रैक्टर जो कि थाना माचलपुर ने बरामद किए हैं। ये कोर्ट के माध्यम से माननीय न्यायालय के माध्यम से जिनके हैं उनको वापस किए जाएंगे और अभी कुछ और ट्रैक्टर बरामद होना है। एक आरोपी जो भगवान फरार है अभी उससे अभी ट्रैक्टर और जब्ती होना है।